साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की लीला बाबा ही जाने। एक बहुत सुंदर हृदय द्रावक डोळ्यातून अश्रू येतील अशी बाबांची एक लीला भिक्षाम देही भिक्षावृत्ती। साई सच्चरित्रामधून मी मराठी वाचतोय आणि हिंदीत सांगण्याचा प्रयत्न करणार। बाबा साईराम त्यांची लीला त्यांनाच माहिती, उनकी लीला उन्हीं को पता वो क्या करते हैं और भगवान को पता है। भक्तों को तो बाद में समझ में आता है। जयाची भूविक्षाप लहरी क्षणात रंकाचा राव करी। इतना पावर बाबा में है कि एक क्षण में उसको राजा से रंग बना सकते हैं और रंग से राजा बना सकते हैं। तो हा घेऊनी चौपालवी करी दारोदारी हिंडत असे। बाबा चौपदरी चार पदर वाला एक झोली लंबा झोला कांधे में टांग कर घर घर भिक्षाम ही बोल के घूमते। और धन्य है बाबा जिसके घर में भिक्षा के लिए जाते, वो घर भी बहुत धन्य है कि बाबा खुद अंतर्यामी है। वो तो पता है कौन कैसा है, वो तो उनको बहुत ही अच्छे थे। इसलिए बाबा जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से भी भिक्षा मिली है, उसका तो क्या कहना है। हरि बोल हरि कृष्णा। तो बाबा धन्य जे जन जयांचे दारी बाबा होऊन भिक्षा करी। धन्य है वो लोग जिनके यहाँ बाबा भिक्षा रूप में जाके भिक्षा लेते थे और क्या कहते थे। ए पूरी आन के सब कुरी भाकरी, ए माँ एक छोटा सा टुकड़ा ले आ माँ भिक्षे में। क्या शब्द है बाबा के। ये ऐसा नहीं बोलते कि ताजी कोई चपाती होगी आधी घी लगा के दो, ना 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 ना, ना। जो कुछ है चतकोर भाकरी वो कल की रहे आज की रहे वो तो हरी जाने। बाबा बोलते ए माँ चतकोरी भाकरी छोटा सा टुकड़ा भाकर का ये दे माँ कोई होगा तो। और झोली झोली बाबा सामने रखते हैं, चावल जो भात रहता है भात और चपाती भाकर वो झोली में लेते हैं। और किसी ने साग सब्जी दिया दूध दिया टमरेल में लेते हैं। और पांच घर में जितना भी मिला वो लेके बाबा मस्जिद की तरफ जाते हैं। और सब मिला हुआ सबको इकट्ठा करते एकत्र करता बाबा। सगण जितना भी मिला है सब इकट्ठा करते हैं, सबको एकत्र करके सबको मिला के बाबा अपना जो है जितना लगता है वो ले लेते। और बाकी जो बाबा सवेरे फूल झाड़ को पानी डालते समय वो कुंडी जो रहती है वहाँ कुंडी रखी थी बाबा ने, एक कुंडी पानी की भरी एक कुंडी जो है जिसमें बाबा ये भिक्षामृति में जो अन्न लाते थे वो अन्न उस कुंडी में रखते थे। वो कुंडी में से कुत्ता बिल्ली पंछी कोयल कौवे गाय भी सब लोग इकट्ठा आके जितना भी ग्रहण करना है जितना सबको मिलता है वो वहाँ से इकट्ठा खाते थे। कभी भी बाबा उनको ऐसा हकालने का प्रयास नहीं करते, ये बाबा की युक्ति है। ऐसे हमारे साईं बाबा एक संदेश देना चाहते हैं, जिनके झोली में ब्रह्मा विष्णु महेश है वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। साई राम हे मेरे मालिक श्री राम। वो टेस्ट प्लेस है या क्या है, नो उसके बारे में कुछ नहीं है। जो मिला है उसमें संतुष्ट मानना चाहिए। इसलिए खुदा ने बाबा ने माँ ने श्री राम जी ने मैया ने जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे की ओर
वहां मत देखो कि इसके पास बहुत है, बहुत है देख के दुखी नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। पॉजिटिव सोचो, जो भी अच्छा है उनके बारे में हरदम पॉजिटिव सोचो तो आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। लालसा कोठोनी भावी रसा शक्ति जीव ने ठावी, कहाँ से लालसा करेंगे, अच्छा खाने का भोजन कहाँ से मिलेगा, जीव ने ठावी कैसे नहीं, झोड़ी तो पड़े ले जिए ये तुच्छे ने तृप्त असावे तयाचा सेवने ने, जो भी झोली में मिला जो भी किसी ने दिया वो उनके लिए अमृत है, वो टेस्टलेस है या ठीक है या नहीं है वो नहीं 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 दैट इज जो मिला वो एक अमृत बोल के बाबा खुद रस ग्रहण करते थे और पंछियों को भी खिलाते थे। तो इस टाइप में बाबा का एक संदेश एक भक्तों को जाना जाता है और भक्तों ने उसको जैसा बाबा झोली फैला के लेते वैसा भक्तों ने इस संदेश को इस बाबा के प्यार को सबने लेना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। जैसे एक दोहा है इसी पे हमने दोहा बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश जया चे झोड़ी दारो दारी हिंडता से घेऊनी सौ पालवी करी करी यानी कांधे में, दारो दारी यानी घर घर में, ब्रह्मा विष्णु जिनके झोली में है वो महान संत घर घर में जाके झोली फैलाते। धन्य धन्य तेजन जयांचे दारी, धन्य धन्य तेजन जयांचे दारी, बाबा भिक्षे करी होनी मागुती भाकरी, यानी धन्य है वो लोग जिनके घर बाबा भिक्षा लेने भिक्षा मांगने जाते हैं। घे टमरेल एक एक करी, एक टमरेल जो है हाथ में लेके दूसरे हाथ में झोली, घे टमरेल एक एक करी दूजिया हाथी सौ पदरी झोली, दूजिया हाथी सौ पदरी झोली, बाबा फिरे दारो दारी प्रतिदिन घर घर। बाबा हर रोज नियमित, कभी नियमित नहीं होता है, कभी घूम के ही आते थे, मांगने नहीं जाते थे, कभी मांगने जाते थे। भाजी सांबारे दूध ताक पदार्थ जे मिले सकड़ी कम, भाजी सांबारे दूध ताक पदार्थ जे मिले सकड़ी कम, ओती सर्व टमरेलात पहा है कवती का, यानी बाबा जो भी भाजी सांबार दूध ताक जो भी है वो टमरेल में लेते और चपाती भाकर भात झोली में। ये बाबा का सिस्टम देखिए कितना अच्छा है। शिजला भात भाकरी घेई चौपदरीत पातड़ भाजी ताक दूध घेई टमरेलात, हरी वो हरे कृष्णा, धन्य है मेरे बाबा साईं राम। लालसा कोठोनी भावी रसा शक्ति जीवे न ठावी, कोई प्रकार का बाबा को लालसा नहीं है कि इसके साथ में कांदा चाहिए, चटनी चाहिए या और घी का कुछ चाहिए, ना ना ना। यदृच्छे ने पड़ेल ते झोड़ी ते तयाचा सेवना ने भावे तृप्त, जो भी झोली में गिरा बाबा के इसमें आया वही सेवन से, उसी के सेवन से बाबा तृप्त होते और उसी के सेवन से प्राणी पंछी भी तृप्त होते। रुस कर बेचे वह विठल तो जाने, वो टेस्टलेस है, टेस्ट है, अच्छा है ये तो विठल ही जाने। उरेल ते अन्न ठेवित कुंडित कावड़े कुत्रे पक्षी खाती होती ते तृप्त, पसरुनी पदर ख्यावे हो भक्ता। सुंदर संदेश बाबा सा, इसलिए बाबा जो संदेश दे रहे हैं जैसा बाबा झोली फैलाते वैसा आप झोली फैला के पदर फैला के बाबा का संदेश बाबा का प्यार अपने आचरण में लाइए और बाहर निकालिए, यही बाबा का संदेश है। जय मेरे साईनाथ, शिरडी के साई बाबा, जय साई, हरि बोल, हरि कृष्णा।